रोज अपनी पत्नी से कहा करो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, कहा करो। पत्नी को भी पति की तारीफ करनी चाहिए। पत्नी भी बोला करे, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। और उनके शब्द क्या होते हैं? मैं तो सबसे छोटा बालक हूँ, मुझे तो भूल करने का अधिकार है, ऐसा कुछ शब्द। तो छोटे बालक हो तो तुम सुसु और पीपी भी कर लो, पुपू भी वहीं पे कर लो, जनता जनार्दन तुम्हें दुला देगी। याद रखो, गंगा का जल कितना भी पवित्र हो, लेकिन अगर वो गटर में गिरेगा तो गटर हो जाता है, और गटर का जल कितना भी गटर हो लेकिन बड़ी गंगा की बहती हुई धार में पड़ जाए तो गंगा हो जाता है। नमस्कार, नमो नारायण। प्रख्यात एक भजन है, फिल्मी भजन, रामचंद्र कह गए सिया से, हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, हंस चुगेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा, कौआ मोती खाएगा। भाई आप सोच रहे होंगे कि इस भजन का दिवाली के मीठे त्योहारों से निकल करके क्या संबंध हो सकता है। तो आजकल एक सीजन चल रही है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे लोग शिकायत कर रहे हैं कि कौवे मोती खा रहे हैं, और ऐसा एक आध कोई कौवा नहीं है। फिर कौओं के साथ आपने मैनाओं के भी नाम ले लिए हैं, कई कौवियों को भी नाम ले लिए हैं, पर अध्यात्म के नाम पर ये जो दुकानें खुल रही हैं, इसमें देखना ये है कि दोष किसका है, हम अपने दोष को क्यों नहीं देख रहे हैं। एक शब्द आता है मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर का मतलब है प्रेरक वक्ता। आप इतने प्रेरणा से बारंबार गिर क्यों जाते हो कि आपको प्रेरणा देने के लिए इन कौओं की जरूरत पड़ती हो। भाई एक बार प्रेरणा दे ली, किसी ने कोई दे दी। आपने कभी सुना है छत्रपति शिवाजी महाराज को बार बार प्रेरणा के लिए कोई बार बार लगता था, या महाराणा प्रताप को, या विवेकानंद जी को, लोकमान्य तिलक को, ऐसे हजारों इतिहास के नाम उठा लो। आपको प्रेरक वक्ता, और वो भी ठुमके लगाने वाले, नाचने गाने वाले प्रेरक लगते हैं, ये कुछ विचित्र है। मेरे पास, आप वैसे तो प्रेम भाव से इस तरह की बेचते हैं रील्स, अब वो मेरी तो छोटी बहन समान है, जया किशोरी। जया किशोरी जी खुद को बोलती भी हैं कि मैं कोई साधु संत नहीं हूं, मैं कोई सन्यासी नहीं हूं कि तुम मेरे से अपेक्षा रखोगे कि मैं ये करूं कि वो करूं, कि ये ना करूं कि वो ना करूं। अब मान भी लो क्रिश्चियन डियोर की बैग का विवाद उसके जीवन से आप जोड़ करके देखते हो, और क्रिश्चियन डियोर की जो बैग है, बड़ी ब्रांड की बैग है, अब कुछ लोग कहते हैं उसमें गाय का चमड़ा होता है कि ससले का चमड़ा होता है, मगरमच्छ का भी चमड़ा हो या भैंस का भी चमड़ा हो, ये उसका व्यक्तिगत जीवन है। जब वो खुल करके आपको बोल रही है कि वो संत नहीं है, वो साधु नहीं है, तो आप उसको साधु संत का लेबल मार मार के क्यों, जिसको कहते हैं ना मार के मुसलमान बनाना, तो आप मार के उसको संत क्यों बना रहे हो। आपको मेरी बात का अगर यकीन नहीं है तो देखिए वो जो क्लिप में कहती है, मैं साध्वी संत साधु नहीं हूं, तो आप क्यों मुझे उस पेडेस्टल पे बैठाएंगे कि अरे आप तो संत हैं। आप, मैं नहीं हूं संत, मैं आप जैसी बच्ची हूं, जैसे आपके घर के बच्चे हैं बिल्कुल वैसी हूं, परिवार के साथ रहती हूं, और ये मैंने बहुत इंटरव्यूज में कंटिन्यूअसली बोला है। जया किशोरी बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन एक आध्यात्मिक वक्ता और इतनी लग्जरी, भारतीय जनमानस आध्यात्मिकता के साथ इतनी लग्जरी को स्वीकार नहीं करता। वो मानता है कि आध्यात्मिकता का सीधा संबंध सादगी से है, त्याग से है, सांसारिक माया मोह का कम से कम इस्तेमाल से है, और जया किशोरी उसी आध्यात्मिकता का लंबे समय से पाठ पढ़ाती आ रही है। आपने देखा कि यहाँ पर वो कह रही हैं किशोरी जी, जया किशोरी जी, कि मैं साधु संत नहीं हूं, और वास्तव में ऐसा है कि भारत देश के वर्तमान अगर व्यास पीठों पर देखा जाए तो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो कथाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कथाएं, और लाखों में कथाएं, और करोड़ों की कथाएं, और जो संत समाज है वो बेचारा मांगता फिर रहा है, राम मंदिर बनने के बाद मथुरा का मंदिर बना दो, जरा काशी के पीछे वाला बना दो, जरा यहां वाला बना दो, वो सनातन बोर्ड बना दो, वक्फ बोर्ड को हटा दो। उन्होंने देखा जगह खाली है, घुस गए, और जिनको मोटिवेशन की जरूरत है उसको दे रहे हैं। अब उसमें जया किशोरी जी तो बहुत बड़ी हैं, एक हमारी फरारी दीदी भी हैं, खूब उनके ऊपर भी रील्स बने, पर पैसा तो आपका है भाई,
और भगवान कृष्ण गीता के अंदर कहे गए हैं, 70वें अध्याय की बात कर रहा हूं। 70वें अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग योग नाम है, दूसरा श्लोक है, भगवान उवाच है कि त्रिविधा भवती श्रद्धा देही नाम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीन प्रकार की होती है, उसको तुम मुझसे सुन। तीसरा चौथा पांचवां छठवां श्लोक मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ऑलरेडी स्वामी और धर्म पे गीता चल रही है, दो दो श्लोक वाली, तो मुझे यहां पर गीता नहीं कहनी है। लेकिन 70वें अध्याय की ये 4 श्लोक पढ़ लो। आपकी ही श्रद्धा है, अगर राजसिक है तामसिक है सात्विक है तो आपका जो धन भी अर्जित किया हुआ है वो उसी मार्ग पे चला जाता है। आपको कहाँ अच्छा लगेगा कि कहीं पे सत्कार्य होता हो, राष्ट्र का कार्य होता हो, वहां पे धन देते। अगर ऐसा होता तो मुझे बताओ, मैं तो पिछले 400 अलग अलग विषयों पे वीडियो डाल चुका हूं, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, इस देश के चैतन्य को जागरण करने के लिए। श्री त्रिपुर भैरव शक्तिपीठ का जब हमने संकल्प लिया और उसको कर रहे हैं, तो मुझे बताओ, मैं आपको नाम लेके बता सकता हूं, कोई दान हमारे पास नहीं आता क्योंकि हम लोग प्रेरक वक्ता थोड़ी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, क्योंकि हम तो आपकी कटाई छटाई करते हैं, आपकी गलत समाज की जो धारणा है उसको तोड़ने आते हैं, किसको अच्छा लगेगा? स्वामी योग क्यों अच्छा लगेगा? ना तो मैं ठुमके लगाऊंगा, ना तो मैं गीत गाते हुए आपको बताऊंगा, ना मेरी अलके हैं, ना मेरी पलके हैं, और ना मेरा बिग बॉस का कोई पीआर कंपनी है जो आपको बताए कि मैं कितना बड़ा स्वामी हूं, तो आप मुझे दान दो। परंतु मुझे इसके लिए कोई शिकायत नहीं है। दान जो तमस से कमाया हुआ है वो तमस मार्ग में जाएगा, राजस से कमाया हुआ राजस में जाएगा, सत्व का दान सत्व में जाएगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा, कम से कम अपने विवेक से थोड़ा तो पढ़कर लिखकर जानकर के करो कि सामने वाला जो वो खुद को बता रहा है वक्ता, उसने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, खुद के परिवार के लिए क्या योगदान दिया है, या सिर्फ गाड़ियों पे गाड़ियां जमा की हैं, या ब्रांडेड पर्स जमा किए हैं, या ब्रांडेड कपड़ा जमा किए हैं, वो आपको देखना है। और आप जितने साधु हैं उनको तो डोंगी करते फिरोगे। कम से कम साधु ने उस डोंग में ही घर को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, रुतबे को छोड़ दिया, नाम को छोड़ दिया, देश के लिए कर तो रहा है कुछ। लेकिन ये जो प्रेरक वक्ता हैं उनके लिए आप ही जवाबदार हो। पिछले दिनों एक दूसरा मूर्ख बच्चा, जिसको हमारे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी मूर्ख बच्चा बोले थे, अभिनव अरोड़ा करके कोई नाम है, मैं वैसे तो इन चीजों में नहीं पढ़ता हूं, मैंने भी वो वीडियो देखा। आप दोनों वीडियो देखेंगे, विवाद तो पुराना ज्यादा नहीं है, फिर भी आपको स्मृति आ जाएगी। पहले आप देखिए कि वो बच्चा किस तरह से मर्यादा का भंग करते हुए उसके बीच में आवाज लगाता है जयकारा का, और कैसे उसको फिर उतारा भी जाएगा। पहले देखिए जयकारा कैसे देता है। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे देने के लिए, पहले इनको मर्यादा है मेरी। आजकल बच्चे संत के रूप में लगातार प्रवचन कर रहे हैं बड़ी काफी संख्या में, इसके लिए आप कहते हैं? ये दुर्भाग्य, आपने भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप कहते हैं? अरोड़ा वाला वही बात, अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है, वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, उसको बोलने का मायदा नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। और फिर जयकारा के बाद हमारे जगत गुरु ऋषि रामभद्राचार्य जी उसको नीचे जाने की हिदायत भी देते हैं। मैं इसी चैनल का समाचार और विश्लेषण देख रहा था, इस समाचार चैनल के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहा था कि उसके पिता कभी कोई, भाई वो व्यापारी हैं, अब अरोड़ा कोई ब्राह्मण थोड़ी होते हैं कि वो अपने संतति को संस्कृत में लगा देगा या कथाएं करवाएगा, एक बिजनेसमैन है, और उस बिजनेसमैन में चैनल के कहे अनुसार उसने लॉस किया हुआ है, उस बिजनेसमैन के कहे अनुसार वो फिर प्रेरक वक्ता भी है, मोटिवेशनल स्पीकर, और इस देश की बहुत एक वैष्णव संस्था है जिसको भी प्रमोट करने के लिए प्रेरक वक्ता लगता है, कृष्ण को मोटिवेट करने के लिए बताओ ऐसे वक्ताओं की जरूरत पड़ती है। तो ये अभिनव अरोड़ा स्कूल जाए न जाए, समाज को उससे क्या फर्क पड़ता है? हमें तो वो जो चाटुकार होते हैं प्रकार के व्यक्ति, इनको ये तो पता है नहीं कि आप उसके त्याग को, वैराग्य को, या जीवन को आकलन तो करो कि वो मूल आ कहां से रहा है। याद रखो, गंगा का जल कितना भी पवित्र हो, लेकिन अगर वो गटर में गिरेगा तो गटर हो जाता है, और गटर का जल कितना भी गटर हो, लेकिन बड़ी गंगा की बहती हुई धार में पड़ जाए तो गंगा हो जाता है। मुझे इस पर
खोल करके कुछ नहीं कहना, आप अपने विवेक से समझो। रामभद्राचार्य जी जो कहते हैं कि मूर्ख बच्चा है, क्या वास्तव में बच्चा मूर्ख है या समाज मूर्ख है जो उसको सुनता है? मुझे बताया गया कि लाखों उसको सुनने वाले हैं, बहुत अच्छा, हमें कोई उससे जलन नहीं है। अगर उस बच्चे के अंदर वाकई में कोई टैलेंट है तो उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। परंतु धर्म के नाम पर ये जो ढोलक बजती है ना, डोंग दतिंग, दो आवाजें, डोंग और दतिंग, ये जो कीर्तन भजन करने वाले डोंग और दतिंग करते हैं, उनको पकड़ेगा कौन? तो जो पकड़ते हैं, आप उनको कहते हो कि भाई आपको जलन हो रही है। मैं पढ़ता हूँ, एक महेश सिंधी करके मुरजानी कोई है जो कमेंट्स में लिखता रहता है, क्योंकि मैंने उसके हलाल वाली चिकन लाड़ी पे कोई एपिसोड में नाम ले लिया था और चिढ़ है उस इंसान को। खैर जो भी हो, छोटी छोटी चीजों को हम नहीं गिनते हैं, परंतु समाज के अंदर इस तरह के लोग अगर बढ़ते हैं तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। मैं मानता हूं कि प्रेरणा आपको आनी चाहिए तो भागवत गीता, हमारे पुराण, सनातन धर्म की पुस्तकें, और सनातन धर्म के लिए जो जी रहे हैं, जो समर्पण कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को तपा करके कुछ दिया है प्रामाणिकता के साथ, वो आपको मांगेंगे भी नहीं। आपको आंखें खोल करके देखना है कि अगर आपकी सात्विक वो बुद्धि है तो देख लेंगे। राजसिक होगी तो उसमें दिखेगा नहीं, नहीं ये तो कुछ एक्टिविटीज में मैंने उलझना, और तामसी होगी तो फिर ठुमके लटके झटके वाले आपको पसंद आएंगे। तो आसुरी वृत्ति से कमाया धन हमेशा असुरों के पास जाएगा, ये बात पक्की है। रामकृष्ण परमहंस अगर आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण वचनामृत, तो उसमें वो कहते हैं कि मैं तामसी डॉक्टर और तामसी वकीलों का हाथ का पानी भी नहीं पीता हूं। शब्द है तामसी, याद रखना। उसमें लिखा है नहीं लिखा है वो अलग बात, पर हमारी गुरु परंपरा को जहां तक मैं जानता हूं तो तामसी वर्ड उसमें ब्रैकेट में पढ़ लो। क्यों? डॉक्टरों के हाथ का पानी रामकृष्ण क्यों नहीं पियेंगे? क्योंकि बोल रहे हैं कि तुम साधारण मनुष्यों के टट्टी और पेशाब और खून के जांच करने के भी जो पैसे लेते हो। वलसाड़ के अंदर मेरे बहुत परम मित्र हैं डॉक्टर महेश आचार्य, वो कहते हैं कि एक एक चेकिंग के ऊपर हमें इतना मोटा लिफाफा मिलता है, अगर मैं ये काम करूं तो करोड़पति हो जाऊं। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे डॉक्टर वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर ये एलोपैथी की जितनी लॉबी है या दूसरी कोई पैथी है, विवेक से देखें क्या ये लिफाफे नहीं ले रहे हैं, क्या ऊपर की सत्ता को पता नहीं है कि लिफाफे कहां कट रहे हैं। ये जो माँ कार्ड है, ये जो हेल्थ कार्ड है, उसके ऊपर कितना बड़ा स्कैंडल चल रहा है। अरे जिस आदमी को गैस से दर्द हो रहा है उसके भी तुम हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हो, क्योंकि सरकार 5 लाख दे रही है, लेकिन सरकार नहीं दे रही है, टैक्स पेयर पैसा दे रहा है। जिन लोगों का इलाज मात्र 1000-2000 के कंसल्टेशन से हो सकता था, उसको पकड़ पकड़ के एक बहुत बड़ा माफिया इसमें काम कर रहा है। सरकार को उस पर CBI ED की यहां जरूरत है। टैक्स पेयर का हजारों लाखों करोड़ का धन उसका दुरुपयोग हो रहा है, और एक पर्टिकुलर डॉक्टरों की लॉबी करोड़पति हो रही है। मैं पर्टिकुलर बोल रहा हूं क्योंकि मुझे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा डर लगता है, मानहानि वाले आ जाएंगे तो चवनियों को भी आजकल करोड़ों की मानहानि पे केस करने का शौक है। परंतु विवेक इस देश का बर्फ में लगा हुआ है, और हम इतने मरे हुए हैं कि आंख खोल करके देख नहीं रही है कि हो क्या रहा है। तो रामकृष्ण ने जो कहा कि मैं डॉक्टरों के हाथ का पानी और वकीलों का क्यों, रामकृष्ण कहते हैं कि जो बाई को बाई से लड़ा दे। आज सारे वकील नहीं लड़ाते हैं, ये हम भी जानते हैं, वकील बहुत अच्छे भी होते हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, परंतु ज्यादा करके वकील समाज में कितने उपयोगी हैं ये आप भी जानते हो। गांधी भी वकील थे, नेहरू भी वकील थे, ऐसे ये भी वकील हैं और वो भी वकील हैं, परंतु वकील ज्यादा करके किससे कमाता? अगर सिविलियन केस है या क्रिमिनल केस है, मैं एक वकील का नाम नहीं लूंगा, प्रख्यात गुजरात के बड़े शहर के वकील थे, वो कहते थे तुम मर्डर भी कर लो, मुझे बता करके करना, और करके आओ तो या तो फिर अच्छे से बताना, मैं रास्ता निकाल दूंगा, इतनी फी लगती है, वो फी बता देते। मैंने और एक धुरंधर वकील के साथ मेरा संपर्क था, वो सिर्फ अपनी एक ही पेशी के 25-50 लाख ले लेते थे, जज आए के ना आए, आपका 5 स्टार में रहना करना, उसका आना जाने का खर्चा और 25-50 लाख की फी। आम आदमी के लिए न्याय संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो धर्म जो है वो है क्या? धर्म जगाने का रास्ता है, धर्म चैतन्य प्राप्त करने का रास्ता है, धर्म मूढ़ नहीं बनाता है।
धर्म आपको मूर्ख नहीं बनाता है कि धर्म के नाम पर तुम व्यासपीठ पर बैठकर कुछ भी नौटंकी करोगे चलाओगे। एक ऐसे मूढ़मती को मैं देखता हूं तो मेरा तो दिमाग घूम जाता है कि अगर व्यास जी कहीं उनको सुन रहे होंगे तो अंधेरे कमरे में खुद को जूते मारते होंगे कि ये क्या हो रहा है धर्म के नाम पर। लो आप भी अपना थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लो, ये देखो व्यासपीठ पे हो रहा है। रोज अपनी पत्नी से कहा करो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। कहा करो पत्नी को भी पति की तारीफ करनी चाहिए। पत्नी भी बोला करे, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुरा लिया है तुम्हारी माँ से। तो व्यास पीठ पे वो बताते हैं पति पत्नी को क्या करना चाहिए, तो सारे क्रियाकलाप बता दो, फिर रात के बाकी वाले भी क्रियाकलाप बता दो। तो आपको ये सेक्सोलॉजिस्ट ही बनना है, व्यासपीठ की गरिमा कुछ होती नहीं है। और उनके शब्द क्या होते हैं, मैं तो सबसे छोटा बालक हूं, मुझे तो भूल करने का अधिकार है, ऐसा कुछ शब्द। तो छोटे बालक हो तो तुम सुसु और पीपी भी कर लो, पूपू भी वहीं पे कर लो, जनता जनार्दन तुम्हें दुला देगी। भाई 50, 100, 200, 500 बूढ़े अनाथों को या वृद्धों को खिलाना, मैं कहता हूं अगर मेरे मंत्र में शक्ति है तो तुम क्या खाते हो क्या पीते हो तुम पलट जाओगे। हमारी गुरु परंपरा का ये मंत्र है, तुम्हें बदल देगा, तुम्हें कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें बदल देंगे। संत वो है जो वृद्धों का आश्रम खोले, बहुत अच्छी सेवा है, लेकिन जो तुम समाज के अंदर ये युवा है उनको प्रेरणा दो ना कि माँ बाप को वापस ले जाए। ये कैसी दुकानें हैं, ये कैसी दुकानें खुल रही हैं कि आओ तुम अपने माँ बाप को छोड़ो, मैं वृद्ध आश्रम खोलता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं, वो कमेंट्स में आया था एक बार, पहले भी मैंने इन पर कमेंट किया था कि आप इतनी सेवा तो करते नहीं हो वृद्धाश्रम की, तो तुम्हारे माँ बाप को तुम लात मार के बाहर निकालते हो और उसके बदले में 5-10 हज़ार को उसको देते हो, जिससे उसकी पीआर कंपनियां बैठती हैं, पीआर कंपनियों से एडवर्टाइजमेंट चलती है, पीआर कंपनियों के नाम पर वो और संतों को लिफाफा दे करके उनके कार्यक्रमों में बैठ करके अनुदान लेते हैं, इस तरह के लोग। तो क्या ये सही है, अपने घर से माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेजना और कोई साधु संत की आड़ में उसको वृद्ध आश्रम बनाए और उसमें दान जमा करना, ये क्या हिंदू धर्म का गौरव है? या उस नालायक औलाद को बताया जाए, ये तुम्हारी माँ बाप को वापस ले जाओ, पैसे कम पड़ते हो तो 1 लाख मैं दे देता हूँ। इतने करोड़ों के दान आते हैं, इतनी गायों को देखते हैं, इतने वृद्धों को देखते हैं, तो तरीका क्या होना चाहिए? वृद्धाश्रम बढ़ने चाहिए या वृद्धाश्रम में जो ला रहे हैं उनको वृद्ध की तरफ आप जोड़ दोगे? तो ये देखना तो आपको ही है। बाकी तो देखो हर जगह पीआर कंपनियां सबकी काम कर रही हैं, पेड पीआर कंपनियां जो ये, क्योंकि ये हैं कौन, प्रेरक वक्ता है, कौन है ये, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स को और संतों को और धर्म को क्या भेद है, इसको समझने के लिए मैंने आपको गीता का भी आधार दिया। अब इसके बाद भी अगर आप नहीं समझ सकते हो तो फिर तो भगवान ही इस देश का भला करें। बाकी हाँ, मैं जानता हूँ इससे मेरे वचनों से आप में से कई लोगों को चोट पड़ती होगी, परंतु वो तो है, गहरी निद्रा में सोए हुए व्यक्ति को जगाओ तो किसको अच्छा लगता है, लोगों को सोना ही अच्छा लगता है। परंतु एक सन्यासी के लिए, शंकरी परंपरा के सन्यासी के लिए जगाना हमारा दायित्व है, और ये जगाते हम अंतिम क्षणों तक, अंतिम श्वासों तक जगाते रहेंगे। जागो, सनातन धर्म को समझो, सनातन धर्म की ताकत को समझो, सनातन धर्म के सत्य को समझो, इस राष्ट्र को समझो, इस राष्ट्र की चेतना को समझो। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अन्य विषय को लेकर, तब तक के लिए नमो नारायण।